शादी करेंगे यार? यार करें, जिंदगी खराब कर लो तुम हमारी, ठीक है? लोग हमें बोलेंगे कि हाँ ऐसा है वैसा, लोग हमें बोल रहे हैं, हम पे उंगली उठाते यार। पापा को मना रहा हूँ, उसके बाद मैं शादी तुमसे कर लूंगा। पक्का? पक्का कर लूंगा, मैं मना थोड़ी ना करूँ तुम्हें शादी के लिए, बताओ। अच्छा ठीक है, सुनो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आई हूँ। सरप्राइज मेरे लिए? क्या लाई हो? देखोगे? देखूंगा। तो फिर अपनी आंखें बंद कर, अभी दिखाती हूँ। खोलो क्या? हाँ खोलो खोलो। इसको ना कोर्ट ले जाओ, तभी समझ में आएगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना मैं तुम्हारी ऐसे बीवी हूँ, ना कुछ हूँ, पकड़ो इसे। तो मेरा पति ना तुम्हारे साथ ऐसे कभी नहीं करेगा। अरे मतलब हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारे पास एक बच्चा, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे यार। तुम्हारा बच्चा तुम लाए हो ना, मेरा पति ने नहीं किया है पैदा। तुम्हारे पति ने किया है यार, नहीं करा इससे। झूठ बोल, झूठ क्यों बोलेंगे यार? चुप रहो यार, दोनों क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? देखो ना कहां से आ गई है, मेरे पति के पास इल्जाम लगाए जा रही है फालतू के। देखिए ना, मेरे पास एक बच्चा है। एक बात बता शिवानी, एक बात बता, अगर ये कुछ बोल रही है तो कुछ सोच। मैं कैसे समझ लूं? मैं अपने पति पे बहुत विश्वास करती हूं, वो ऐसे नहीं है। हमें भी बहुत भरोसा होता उन पर। ऐसा भरोसा आपने कहाँ से लाया? मैं तुम्हें नहीं जानती। अच्छा सुनो 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 सुनो, हम पागल थोड़े से बोलेंगे। चुप रहो दोनों, तुम दोनों का जो भी चीज है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। देखो तुम एक लड़की हो और इसकी फीलिंग समझो, और मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ। बट एटलीस्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है? मुझे भरोसा है वो ऐसे नहीं करेगी, ये पता नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, खुद ही देख लेना तुम। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो तो अच्छी बात है ना, वीडियो स्टार्ट करते हैं ना, क्यों बॉयवे हो जाएगा फालतू का लड़ना, स्टार्ट करें। ठीक है मैम, स्टार्ट करो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रति सिन्हा, और आज मेरे साथ ये दोनों जो है, ये शिवानी और ये सुनीता, मतलब यार अलग, मतलब भसड़ मचा पड़ा है यहाँ पे, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये सुनीता का कहना है कि जो इसका पति है शिवानी का, वो इसके बच्चे का बाप है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है? नहीं। तो फिर ये बच्चा? ये शादी से पहले का बच्चा दीदी। कहाँ से आ गया बच्चा? शादी से पहले कब आ गया? मेरी शादी को 2 साल होने को आए हैं, हमारे रिलेशन को 4 साल होने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं किया? एक सेकंड रुक जा, तुम रुक जा। हाँ तुम बताओ। अरे हम लोग मेरठ में जॉब करते थे, तो वहाँ पे मतलब अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ, तो फिर हम लोग साथ में रहने लगे उसके बाद। अच्छा, जो विवेक था उसके साथ में जॉब करती थी? हाँ मेरठ में। हम दोनों ने फंसाया होगा उन्हें, अगर फंसाया होगा तो हम भला क्यों बोलने दो ना, पास बोलो तुम, बोलो। तो मतलब बातचीत हुए, प्यार हुआ, तो फिर हम लोग मतलब रिलेशन में आ गए, और 3 साल तक ऐसे रिलेशन में रहा। फिर शादी के लिए हमने इनसे बोला कि शादी कर लेते तो कभी अभी फैमिली नहीं मानेगी, ऐसा है वैसा है। फिर हम प्रेगनेंट हो गए, तो हमने इनसे फिर बोला शादी के लिए, कहा कि अभी फैमिली नहीं मानेगी, तो क्या बच्चा हो जाए उसके बाद में शादी कर लेंगे। नहीं कर सकती तुम पे, तुम झूठ। अच्छा उनसे क्यों बोलेंगे? तो वो बच्चा बोले कि बच्चा हो जाने के बाद शादी कर लेंगे। हाँ, तो क्यों नहीं किया शादी? बच्चा तो 1 साल का हो गया आपका। वही बात है, बच्चे 1 साल का हो गया, जब भी इनसे बोलते क्या बोलते शादी करने पे? टाल देते हमेशा, मतलब कोई भी चीज़ हो गई ना कि हाँ अब शादी कर लेते हैं, अब मतलब कहते फैमिली वाले नहीं मानेंगे। तो हमने कहा देखो बच्चा, अब तुमने मतलब पोते की शक्ल देख के तो मान जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो मनाएंगे तो मान जाएंगे। आई भाई तो हमें तो मैं नहीं जानती, मेरे हस्बैंड तो मैं नहीं जानते, तुम हो कौन? तुम्हारे पति का बच्चा है, ठीक है? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी शादी कैसे हुई इस इंसान से? मेरी अरेंज मैरिज है, मेरे मम्मी पापा ने कराई है उसके साथ। कितना टाइम हो रही शादी का? 3 साल होने वाले हैं। अच्छा हाँ जी, और हमारा बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि आपके पति ऐसा नहीं कर सकते? ये लग नहीं सकती कि वो ऐसा करेंगे। अच्छा एक चीज बता, तुम इसे जानती हो? मैं नहीं जानती ना, पहली बार मिल रही हो। पहली बार तो एक बात बता, अगर इसने पता कराया अपने पति के बारे में, किसे मतलब शक हुआ कि जो भी हुआ, तो अपने पति को कैसे पता चला कि वो शादी शुदा है? एक्चुअली जब भी ना मतलब मेरठ में जॉब करता है हमारे साथ, तो जब यहाँ आता है तो हमेशा ना अपना हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है, मतलब फ़ोन नहीं उठाते हैं, पापा है ऐसे वैसे बातें करना शुरू कर देते कि नहीं या नेटवर्क नहीं, ऐसे इतना झूठ बोल बोल के ना परेशान करते कि नहीं। जब भी घर पे तो जब भी आएंगे तब भी यही बोलते भाई कॉल नहीं लग रहा है, मतलब हमेशा इग्नोर करते। जैसे गाड़ी में बैठेंगे ना, जब गाड़ी में बैठेंगे तब कॉल करेंगे, उसके बाद कोई मैसेज नहीं, हमें फुल इग्नोर, मतलब पता ही नहीं कि हाँ हम कोई है। तो फिर ऐसा हमने काफ़ी टाइम तक देखा, जब
जब भी आते जाते ना तो हमने कई बार नोटिस किया, हमें अच्छा नहीं लगा इसलिए हम यहाँ आए। हमने कहा यहाँ आके देखते हैं, पता करते क्या। तब हमें पता चला कि इनकी शादी इनसे हो रखी है। और तब हमें इतना बुरा लगा दीदी कि मतलब छोटा बच्चा ना एक बार नहीं सोचा कि नहीं एक बच्चा है कैसे तू किससे शादी कर रखी है। नहीं अगर तुमको बिलीव नहीं हो रहा इसकी बातों पर, ये झूठ बोल रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये झूठ बोल रही है। एक काम करते हो, सुनो, तुम मैं यहाँ पर आई हो ये बात उसको पता है? नहीं पता उन्हें पता ही नहीं। एक काम करो, फोन करके उसको बुलाओ यहाँ पे और देखते हैं क्या है। अब तुम बस देखो, ठीक है, अपनी आंखों से देखोगे तो भरोसा होगा। एक काम करो दोस्तों, आने दीजिए उसको, जो भी चीज़ होगा ना सबके सामने क्लियर हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं। यार तुम यहाँ कैसे आ गई? तुमसे मिलने का मन था तो आ गई। यार मैं दो दिन बाद तो आ ही रहा था ना, मैंने तुम्हें बोला आ रहा हूँ मैं दो दिन में, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी ये बताओ। क्या जल्दी थी वो छोड़, देखो अब ना बहुत टाइम हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप में बच्चा भी होगा अब हमारा, ठीक है, तब क्या तुम शादी कर लो हमसे। यार एक ही बात को रट लगा के बैठो, शादी मैं कर लूँ मैं कैसे करूँ बता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो चल के मनाओ ना, तब तो मानेंगे, ऐसे थोड़ी ना मान जाएंगे बिना कुछ बोले। यार मैं मना रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो दो, तुम अचानक से आके बस कह रहे हो शादी कर लो, कहाँ से कर लूँ अभी मैं, मतलब बच्चा हो गया तो तुम्हें खुद को शर्म नहीं आती कि नहीं एक मतलब मेरी शादी नहीं हुई है और बिना शादी के माँ बनने, तुमने कोई सोचा मेरे बारे में? नहीं सोचा। दुनिया क्या बोलेगी पता है तुम्हें? मैंने सब सोचा है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं। तो साथ होने से क्या मतलब है? शादी भी तो नहीं जरूरी होती, कि शादी होनी जरूरी होती नहीं है यार तुम्हारे लिए। मैं मना नहीं कर रहा, मैं थोड़ा टाइम दो, मैं अपने घर पे तो मनाऊं घर वालों को। कितना टाइम चाहिए बता? 4 साल से था ना तुम्हें, 4 साल तुम्हें दिया, कितना टाइम दो बता, इतना टाइम थोड़ी मेरे पास है। 4 साल तो रिलेशन यार थोड़ा सा और टाइम चाहिए मेरे को, पापा नहीं मान रहे, मैं इनको जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा। यार मैं मना नहीं कर रहा, मैं थोड़ा टाइम तो दो, क्या करूं मैं बताओ, अभी कैसे कर लूं मैं तुमसे शादी? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? इतना टाइम तो दिया, कितना टाइम दो बताओ। और टाइम नहीं है मेरे पास, बच्चे बड़े होकर शादी थोड़ी ना करेंगे। शादी मान रहा हूँ ये मेरा, मैंने मना थोड़ी ना किया तुम्हें, तो और टाइम नहीं दे सकते हम तुम्हें, ठीक है, हमें शादी करनी है तो अब करनी है बस। यार तुम चिल्ला क्यों रही हो पहले बताओ? मैं मना नहीं कर रहा यार, थोड़ा सा टाइम ना, मैं घर वालों को तो मनाने दो, जाके बात करोगे तो मानेंगे, ऐसे थोड़ी ना मान जाएंगे। कितनी बार बात किया, वो कह रहे अभी नहीं शादी करनी, अभी नहीं करनी, मैं क्या करूं? मतलब शादी होगी, बच्चे होगी, इसकी शक्ल नहीं देखेंगे वो हैं? तुम खुद बताओ ना, बच्चा हो गया कब शादी करेंगे यार? यार करें, जिंदगी खराब कर रहे हो तुम हमारी, ठीक है, लोग हमें बोलेंगे कि हाँ ऐसा वैसे, लोग हमें बोल रहे हैं, हम पे उंगली उठाते यार। यार मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ कहीं, कर लूंगा शादी यार। कब करूंगे यार, हद होती किसी चीज की। ये पापा मानेंगे तो करूंगा ना, ऐसे कैसे कर लूं? तो ऐसा ना, हम बात करें घर पर जाके तुम्हारे, हम बात करें। तुम क्यों जाओगी ये बताओ, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना घर पे। कब कर रहे हो? करना होते तब तक तुम कर चुके होते यार। यार एक तो तुम यहाँ आ गई, ऊपर से तुम ऐसे कर रही हो, मैं कह रहा हूँ घर पे थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मैं बात तो करने दो, पापा को मनाऊंगा ना। देखो बच्चा बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकती। यार थोड़ा समझो, मैं पापा को मना रहा हूँ, उसके बाद मैं शादी तुमसे कर लूंगा। पक्का? पक्का कर लूंगा, मैं मना थोड़ी ना करूँ तुम्हें शादी के लिए, बताओ। अच्छा ठीक है, सुनो मैं तुम्हारे सरप्राइज लेके आई हूँ। सरप्राइज मेरे लिए? क्या लाई हो? देखोगे? देखूंगा। तो फिर अपनी आंखें बंद कर, अभी दिखाती हूँ। अबे सरप्राइज के लिए आंखें बंद क्यों करूँ? दिखा के कोई देता सरप्राइज? अच्छा चल यार मैं आंखें बंद कर रहा हूँ बस, चल बुला, क्या है दिखा, खोलो क्या? हाँ खोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इसके साथ कौन है ये? मुझे क्या पता है कौन है? कोई नहीं है ये। मैं नहीं आता, तो रास्ता पूछ रही थी। क्या कर रहे थे बैठ के? अरे यार ये मेरे रास्ता पूछ रही थी, मैं तो यहाँ से जा रहा था बस। रास्ता पूछ रही थी? हम कौन है? मुझे क्या पता आप कौन हो? हम कौन, आपको पता नहीं है? अरे यार यार तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है? मुझे नहीं पता कौन है, रास्ता पूछ रही थी तो ऐसे। अच्छा ये कौन है? ये कौन है? मेरी वाइफ है, तुम्हें क्या है? तुम्हें मैं क्यों बताऊं? तो हम क्या है? अबे मुझे क्या पता। अच्छा तुम्हें क्या पता क्या है? हा? यार मुझे बच्चा किसका है? मुझे सच में मुझे नहीं पता किसका बच्चा है। फालतू झूठ मत बोलो तुम हमसे, ठीक है? झूठ मत बोलना। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? क्यों झूठ बोलोगे बता दो, मुझे बताओ कौन है ये, क्लियर बताओ कौन। यार मैं सच में नहीं जानता ये कौन है, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? और तुम यहाँ कैसे आई ये बताओ। बस मैं आ गई जैसे। अच्छा तुम अपना बताओ, तुम नहीं जानते ना यार, आप पहले साइड हो, ठीक है ना? क्यों साइड? तुम नहीं जानते, नहीं जानते तुम हमें? मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं जानते? अच्छा झूठ बोल गया अभी आप हमसे? हाँ कौन है जल्दी बताओ, कौन है ये? यार सच में जल्दी बताओ, मगर मैंने बोल खोल दिया तुम्हारे तो बहुत बुरा। यार मैं कौन है? सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता है कौन है। अच्छा याद दिला तुम्हें अभी कि हम कौन है? कौन है ये? नहीं पता तुम्हें कौन है? मुझे नहीं पता, नहीं पता है, आखिर में पूछ लो कौन है बताओ। अबे सच में कह रहा हूँ मुझे नहीं पता यार। अरे वो अपने बच्चा ले गई है साथ में, कौन है मुझे नहीं पता, यही बैठी हुई थी। नहीं पता कौन है हम? अबे जब नहीं पता तो क्या बोलूंगा? नहीं पता, याद दिला आपको अभी हम कौन है, वो बच्चा किसका, याद दिलाए आपको? बताओ अब तक झूठ नहीं मत बोलो। नहीं पता है, सीरियसली तुम्हें नहीं पता? अरे आपको ना, मैं नहीं जानता इसको। अच्छा
ऐसे नहीं जानते हो। और कितना झूठ बोलोगे? सुनो, अगर मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा देना कि तुम मुझे जानते हो, समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप कौन है दीदी, ये बताओ ना। कोई भी हो तो मैं नहीं जानता, मैं इन दोनों को ही नहीं जानता। ये यहाँ बैठी थी, ओके नहीं जानते ना, अब बैठिए बैठिए बैठ यहाँ पे, मानो एक थप्पड़ ठीक हो जाओगे। ये जो तुम इसके साथ बात कर रहे थे, जो भी चीज कर रहे थे ना, कि शादी करूंगा बाद में करूंगा, सामने देखो, सामने कैमरा दिख रहा है, वहाँ रिकॉर्डिंग, और ये माइक दिख रहा है। तो अब तुम बताओ ये क्या हो रहा है, तुम बताओगे कि ये कौन है, मैं कैमरा से फुटेज लेके इसको दिखाऊं? अरे ये क्या कर रहे हो, कौन आप बताओगे? हाँ या ना, बोलो जल्दी कौन है ये, बताओ कौन है, बताओ जल्दी बताओ कौन है ये, तुम्हारा नहीं, ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। और मैं कौन हूँ फिर? नहीं मैं कौन हूँ बताओ, बोलो जल्दी, कब तक छुप रहोगे? पूछ रहे आराम से बताओ ना। मैं, मेरी गर्लफ्रेंड है ये। शादी घर वालों ने कराई थी ना, जब तुमने जब इसके साथ रहना था तुम्हें, कौन है ये भाई? मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें ऐसी करना है इसके साथ, मैं पागल थी क्या? इतने टाइम मेरे को पागल बनाया तुमने? तुम क्या बोल रही थी कि ये खराब है, इसका कैरेक्टर खराब है, लड़की खराब है? मुझे भरोसा था ना, और ये ऐसे निकलेगा मुझे नहीं पता था। मैं इस पर हमेशा गलती हो गया, अगर लड़की है छोड़ो क्यों बोलेंगे? मैं मान लूंगी, तुमने मेरे से इतना बड़ा धोखा किया है यार। घर वालों ने हमारी शादी कराई थी ना, कोई बात है, तुम्हें फिर इसको छोड़ना था ना, तुमने इसका बच्चा करा है यार। बच्चा होगा इसलिए छोड़ नहीं पाया मैं इसको। ये कोई अच्छा, तो शादी करी होती ना, फिर शादी में तो नहीं करी ना। चूतिया बना रहे हो दोनों को, मैं चूतिया बना रहे हो, लपड़ मारूं मैं सारे ना, मुंह से निकाल दो, माफ कर दो ना। हटो मेरे को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारे कोई नहीं लगती, ठीक है? अगर तुम इसके है ना, तुम इसी के साथ रहो फिर। यार ऐसा मत करो, हमारी शादी हुई यार, यार गलती हो गई। नहीं ऐसी कोई गलती नहीं, तुम खड़े हो ऐसे, बोलो कौन हो तुम, कौन है ये, कौन हूँ मैं? यार मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर देना। नहीं मैं माफ नहीं कर सकती, तुम्हें जो फैसला लेना फैसला लो, और वैसे मुझे तुम्हारे साथ कोई रहने में कोई वो नहीं है अब। यार हमारी शादी है, तुम इसी के साथ मुझे नहीं रहना, मैं क्या करूँ? मैं शादी करा दी थी घर वालों ने, तो मैं क्या करूँ बताओ ना तुम्हें? नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बोलो क्या करना है, इसके साथ रहना है या मेरे साथ रहना है? यार मैं तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ ना, मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ। ऐसे दो दो शादियाँ चल रही है क्या? मैं इसको छोड़ दूंगा ना। तो तुम हमें छोड़ दोगे, और बच्चा कहाँ जाएगा फिर? तुमने बहुत आसान से बोलते, तुम हमें छोड़ दोगे? करा दी थी मैं उस टाइम, कुछ वो नहीं होता उस टाइम, कुछ सूझा नहीं क्या करूँ, इसलिए मैंने शादी कर ली बस। अच्छा हमारा क्या हो ना, दूध पीते हुए बच्चे हो, अगर डिसाइड करो क्या करना है, क्या करे बताओ ना, बच्चे में बस हम कहाँ जाए, क्या करे बताओ तुम्हें? यार मेरे से गलती हो गई यार, मैं कह तो रहा हूँ। गलती को तो गलती कैसे सुधार दोगे, बताओ ना, बताओ करना क्या है तुम्हें, तुम अपना बताओ। अभी तक तुम ये बोल रहे ना, तो ना तुम उसे जानते हो ना तुम मुझे जानते हो, अब वो तुम्हारी वाइफ है, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड, क्या करें हम? यार मैं क्या बताऊँ यार, मेरे को कुछ समझ नहीं, यार मेरे को कोर्ट तक ले जाएंगे, तो ना तुम याद रखना, ठीक है? हम बच्चा भी हमारे पास, शादी कर लूंगा ना। अच्छा क्या शादी कर लूंगा, उससे शादी कर लूंगा मैं, क्या मैं यार बिल्कुल भी हाँ? यार हमारी शादी घर वालों ने कराई, चूतिया बनाता है यहाँ पे, चूतिया बनाता है दोनों को मिलके। सुनो इसको ना कुछ मत करो ना, ये तुम्हारा है ना तुम्हारा, कुछ मिल जाओ और इसको इसकी औकात दिखाओ, जो इसको करने पड़ेगा ना, जो आपकी औकात नहीं करेंगे भाई, इसके औकात दिखाओ, बच्चा लेके कहाँ जाएंगे हम, करेंगे ही नहीं, दोनों इसको ना कोर्ट ले जाओ, तो ये समझ में आएगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना मैं तुम्हारी ऐसी बीवी हूँ ना कुछ, पकड़ो इसे यार, ये भी अपने चूड़ा वूड़ा पकड़ो, मेरे को नहीं जाना तुम्हारे साथ यार। तुम क्या कर, मैं जा रही हूँ यार, मुझे माफ कर दो ना, मेरे पास मत आओ तुम, ठीक है? मेरे पास मत आओ, और क्यों हम तुम्हें बनाए यार, मेरे से मेरे घर वालों ने करा दी थी ना, मैंने थोड़ी ना की जान, हमें तुमसे कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? जाओ तुम यहाँ से, हम तुम्हें नहीं करने, जाओ यार, मैं हम जाए यहाँ से, नहीं करेंगे हम तुम्हें माफ, ठीक है? तुम हमें माफ कर दो, हमने गलती कर दी है, लपड़ खाओगे मेरे से, बोला कुछ तो बकवास किया, तो गलती हो यार, नहीं माफ कर सकते हम तुम्हें, कितनी बार माफ करेंगे बताओ ना, जा रहे हम, ठीक है? और पीछे मत आना अब, यार मेरी बात तो सुनो यार, तुम यही ठीकार काटते हो, करो यही करो, तुम्हारा यही काम ही रह गया है, दो लड़कियों का लाइफ खराब करना। अब तुम्हारी जब लाइफ खराब होगी ना, तब समझ में आएगा कैसा लगता है। घर पे क्या जवाब दूंगा मैं, तुम जानो